हे व्हाट्स अप गाइस, कैसा आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ रेडमी 9 पावर डिवाइस के बारे में और इसके MIUI 13 बेस्ड एंड्रॉइड 12 अपडेट के बारे में। लगभग यहाँ पर हर एक वीडियो के नीचे कमेंट आता है कि रेडमी 9 पावर जो डिवाइस है ना, इसके लिए इंडिया में और ग्लोबल में कब तक यहाँ पर MIUI 13 और एंड्रॉइड 12 का जो अपडेट है ना, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में कम्प्लीट आप लोगों को बताने वाला हूं कि Redmi 9 Prime डिवाइस के लिए और Redmi 9 Power डिवाइस के लिए MIUI 13 और Android 12 का अपडेट है ना, वो इंडिया में कब तक यहां पर रिलीज किया जाएगा। वीडियो को यहां पर कंप्लीट देखते रहिए। वीडियो अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आप लोगों को वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार यहां पर विजिट कर रहे हो तो इसको आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना है, ताकि फ्यूचर में जैसे यहां पर नया अपडेट आएगा तो आप लोगों को वीडियो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब गाइस यहां पर बात कर लेते हैं MIUI 13 के अपडेट के स्टेटस के बारे में। तो इंडिया में वैसे लगभग बहुत सारे डिवाइस हैं जिनके लिए MIUI 13 का अपडेट है वो ऑलरेडी यहां पर रिलीज हो चुका है विद एंड्रॉइड 12 अपडेट। तो कई सारे डिवाइस हैं जिनके लिए अपडेट है वो अभी तक भी नहीं आया है, जैसे कि Redmi 9 Prime, Redmi 9 Power, Poco M3, Redmi Note 9 की कंप्लीट सीरीज और Redmi Note डिवाइस के कुछ डिवाइसेस। तो Poco M2 Pro और Poco X3 से बहुत सारे डिवाइस हैं जिनके लिए अपडेट है ना, वो अभी तक भी यहाँ पर सभी यूजर हैं उनको यहाँ पर नहीं मिला है। तो बात कर लेते हैं Redmi 9 Power जो डिवाइस है ना, इसके लिए अपडेट है वो कब तक आएगा। तो गाइज आपको जैसा कि पता होगा, थोड़े दिन पहले यहाँ पर Redmi 9 Power जो डिवाइस है ना, इसके लिए अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज किया गया था। तो इतनी जल्दी तो अपडेट है ना वो यहाँ पर नहीं आने वाला है इस डिवाइस के लिए। आपको थोड़ा तो यहाँ पर वेट करना ही पड़ेगा और वेट है वो आप लोगों को कब करना पड़ेगा। तो पहले टाइमलाइन ये आ रही थी कि आप लोगों को जो अपडेट है वहां पर सितंबर का करंट मंथ है इसके अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन इस मंथ के अंदर अपडेट है वो और भी डिवाइस के लिए आने थे, जैसे कि Poco M2 Pro डिवाइस के लिए और Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max डिवाइस के लिए। और क्योंकि इनके लिए अभी तक भी अपडेट है ना वहां पर नहीं आए हैं, तो वर्क थोड़ा यहां पर ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए Redmi 9 Power जो डिवाइस है ना, इसके लिए भी अपडेट है ना वो ऑटोमेटिकली यहां पर डिले हो चुका है। इसकी टेस्टिंग है वैसे तो यहाँ पर होती रहती है, लेकिन अपडेट है ना वो भी यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर डिले हो ही जाते हैं। तो बात कर लेते हैं अपडेट है ना अब फाइनली यहाँ पर कब तक आएगा। तो अभी गाइज आप लोगों को जो करंट मंथ है ना वो देखने को मिलता है सितंबर का, और मिड सितंबर है ना वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को यहाँ पर अभी नवंबर का मंथ है ना उसका वेट कर लेना है। नवंबर के मंथ के अंदर जो अपडेट है ना वो यहाँ पर रिलीज किया जाएगा Redmi 9 Power डिवाइस के लिए, क्योंकि इस मंथ के एंड तक तो अपडेट है ना वो यहाँ पर Poco M2 Pro और Redmi Note 9 सीरीज की कुछ डिवाइस है उनके लिए आएगा, और उसके बाद में यहाँ पर जो अपडेट है ना वो Redmi 9 Power और Redmi 9 Prime और Poco M3 डिवाइस के लिए आएगा। तो गाइस यही न्यूज है ना वो आपके साथ में शेयर करनी थी। वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यहाँ पर ऑल पे प्रेस कर लेना है। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।